बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 2, और इसके रिमेनिंग पार्ट करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट है 9p + 8q + 1, 6q - 3r + 2, 4p + 2r + 7। तो इसका सलूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, हम दो मेथड यूज़ करते हैं, एक वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन और एक हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन। पहले हम लिखेंगे वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन। स्टूडेंट, इसमें हम लिखते हैं वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे वैल्यू लिख लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 9p + 8q + 1। अब स्टूडेंट, जो सेकंड वैल्यू ये दी हुई है, इसमें p की वैल्यू नहीं दी हुई, तो 6q - 3r + 2, यानी कि लाइक टर्म हम अगर हम वेरिएबल के साथ सेम वेरिएबल के साथ इसके नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे 6q। अब स्टूडेंट, इसके साथ साइन कोई नहीं है तो हम लिख देंगे प्लस, फिर हम लिखेंगे -3r - 3r + 2। इस अब ये कॉन्स्टेंट नंबर के नीचे कॉन्स्टेंट नंबर लिख देंगे और फिर आगे लिख देंगे -3r, थोड़ी सी इसमें अरेंज कर लेंगे। अब थर्ड वैल्यू में फिर अगेन उसने 4p दिया है, तो ये देखें इसके नीचे हम लिख देंगे 4p + अब इसमें q की वैल्यू नहीं है तो उसने कहा +2r, r के नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमने सेम वेरिएबल वाली वैल्यू लिखनी है और उसके नीचे हम उसको प्लस कर सकेंगे, और कॉन्स्टेंट इसमें 7 है, प्लस हमने लिख दिया 7। अब इसमें ये वैल्यू मिसिंग है तो आप 0 लिख लें, इसमें ये वैल्यू मिसिंग है तो आप यहाँ 0 लिख लें, ताकि आपको पता चले आपका जो है वो एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आप करेंगे इसको प्लस, ये साइन लगा देंगे प्लस का और आंसर लिखेंगे। पहले हम इसके साथ जो कोफिशेंट होते हैं उसको ऐड करते हैं, 9 और 4 13 13p आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा 8 और 6 14 14q आ जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट है 1 + 2 3 3 और 7 10, तो +10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट, -3r + 2r ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा, और फिर ग्रेटर वैल्यू में से प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा -r, इसको आप 1r भी लिख सकते हो। फिर हम इसको अरेंज करके लिख देंगे इक्वल टू, हम लिखेंगे 13p + 14q वेरिएबल के साथ -r + 10। अब स्टूडेंट, दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, सेकंड मेथड, वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन में हम स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे 9p + 8q + 1, और फिर हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर आगे लिखेंगे प्लस, फिर जो थर्ड स्टेट में सेकंड है इसमें लिखा है 6q - 3r + 2, क्लोज कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 4p + 2r + 7। इसका मतलब ये है कि हम इन तीन वैल्यू को ऐड कर रहे हैं जो हमें डिफरेंट दी हुई थी, और दरमियान में हमने प्लस लगा दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू 9p + 8q + 1, फिर ये साइन जो है प्लस का सबसे मल्टीप्लाइड होगा, तो प्लस साइन कोई चेंज नहीं लाता, हम लिखेंगे +6q - 3r + 2, प्लस फिर साइन इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कोई चेंज नहीं आ जाएगी, बाकी वैसे लिख देंगे +4p + 2r + 7। तो स्टूडेंट, ये देखें 9p है, 8q है, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, हम लिखेंगे अरेंज द टर्म्स विद सेम वेरिएबल्स, विद या हैविंग दोनों ही आप लिख सकते हैं, सेम वेरिएबल्स, लिखेंगे 9p, ये टिक कर दिया मैंने, फिर इसके बाद 4p + 4p, इसको टिक कर लिया, फिर हमने लिखा +8q, ये टिक हो गया, +6q टिक हो गया,
फिर आगे वैल्यू कोई है हमारे पास, आर की वैल्यू आ रही है माइनस 3 आर, इसको टिक कर दिया, प्लस 2 आर ये कर लिया। फिर कांस्टेंट नंबर हमारे पास रह गए हैं प्लस 1, प्लस 2, प्लस 7। अब हम इसको ऐड करेंगे, ये देखें ये सेम वेरिएबल, ये सेम वेरिएबल, ये सेम वेरिएबल और ये कांस्टेंट नंबर। अब हम कहेंगे 9 और 14 कितना आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, सॉरी ये 14 नहीं था, ये 4 है, 4p, 9 और 4 9 और 4 13 आ जाएगा, 13p, प्लस 8 और 6 14q। माइनस की वैल्यू ग्रेटर है प्लस की स्मॉलर है, साइन माइनस का, और प्लस इसमें से निकल जाएगी तो माइनस आर या 1r जिसे आप कहते हैं, प्लस 7 और 2 9 और 1 10। तो स्टूडेंट देखा ये भी सेम आंसर आया, जैसे हमने ये वर्टिकल फॉर्म में किया वैसे ही हॉरिजेंटल फॉर्म में आ गया। तो जो आपको आसान लगे इजी लगे वो मेथड अडॉप्ट करें, या जो आपका टीचर रिकमेंड करे वो मेथड आपने अडॉप्ट करना है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 2 का 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में दिया है 6p 2q 3q प्लस 9r 4r माइनस 6p। तो अब ये जो डिफरेंट वैल्यू दी हुई है ये एक एक टर्म्स की वैल्यू है, ये 1 टर्म है, ये भी 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 1 टर्म है, ये 1 टर्म है। अगर हम इसको वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन इसका करें तो वो ये बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको हम हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन अडॉप्ट कर लेते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन। मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप यही मेथड यूज करें, ये हमने लिखा 6p प्लस 2q प्लस ये ब्रैकेट में लिख दिया 3q प्लस 9r ब्रैकेट क्लोज प्लस 4r प्लस, अब ये साइन आगे माइनस का आ गया तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर दोबारा लिखता हूँ मैं 6p प्लस 2q प्लस 3q प्लस 9r प्लस 4r और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाइड होगा तो फिर माइनस आ जाएगा 6p। अब हम लिखेंगे अरेंज द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल, अब हमने देखा 6p, फिर ये माइनस 6p प्लस 2q प्लस 3q प्लस 9r प्लस 4r और कोई रह गई वैल्यू, ये आ गया 2q 3q 9r 4r और ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको सॉल्व करने का बेहतरीन मेथड ये है कि हम लिखेंगे 6 माइनस 6 और साथ पी आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 इंटू क्यू आ जाएगा, प्लस 9 प्लस 4 इंटू आर आ जाएगा। 6 माइनस 6 ज़ीरो, ज़ीरो को पी से मल्टीप्लाइड करें तो 0 आंसर आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 फाइव, फाइव क्यू आ जाएगा, प्लस 9 4 13 तो 13 आर आ जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ज़ीरो हम लिखते नहीं, 5q प्लस 13r। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2 के 5th और 6th पार्ट। स्टूडेंट उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।